तो गाइज आज आपकी राजा व्लॉग जा रही है घर छोड़ के ससुराल। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं आपके मिसेस राजा व्लॉग बताना जरा आप लोग कमेंट करके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, अब थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि हमारा अभी मेकअप होगा और लड़की के रूप में आराम से एक्टिंग करेंगे और आप लोग को भी देखने को मिलेगा। और कैसा लगते हैं आपका राजा भाई, क्योंकि आज से 5 साल पहले बने थे ना, तो बहुत सारे सवाल उठाया गया था क्योंकि आर्टिस्ट के लिए कोई कलाकार और किसी के लिए कोई एक्ट जो है ना अहम होता है। ये नहीं कि हमें लड़का लड़की ये फ़र्क नहीं करना, अगर जो एक्ट दिया जाता है उसे करना होता है, निभाना होता है। तो वो मेरे लाइफ के लिए, मैं उस चीज़ को मानता हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ। अभी तो आपकी प्यारी मम्मी जी सारा मेकअप का सामान वहाँ पे रख दिया, फिर रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अरे आपकी प्यारी सी मम्मी खुद हमारा सारा मेकअप वेकअप कर रही है। 1 साल पहले हमको बहुत डांटते थे लेकिन अभी बहुत सपोर्ट करती है मम्मी। हैं सुहानी भी इधर है, आज हम लड़की बनेंगे। सुहानी बड़ा सामान अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सारा मेकअप का सामान रखा हुआ है, देखो आप लोग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो भैया? का लहंगा आ गया है। लहंगा आ गया है तो गाइस हमारी प्यारी बहन मेकअप आर्टिस्ट है और ये हमको लहंगा पहना रही है। और यहाँ पे लहंगा पहना रही है, कमर पे नहीं पहना जाता है, पेट पहना जाता है। इधर डांस करें गिर जाएगा, ये गिर जाएगा इसीलिए नहीं तो कमर पे बना दो। और आप लोग को थोड़ा नया दिख रहा होगा, हम 4-5 साल पहले ये सब सारा कुछ कर चुके हैं ना। अब पहनना है, बाल आधा रेडी हो गए हैं, ऐसे करके ना सुहानी, ऐसे अंदर से बाहर। हाँ ये मम्मी पहनाएंगी। माला हो गया, आप पहन लो ना। अंदर से माने पीछे से आगे के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। मम्मी कैसे लग रहा है? मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। आसर भी आ गया है ना, मम्मी भी नडर की बात है। उसको पूरा टाइट लगाना होता है। ये वो कैसे ले गए दी बाल वाला हमर बाल के? हां हां तो लो कर ली पहले, तो लो कर। ए मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? मारा रैपर वाली वाइब नहीं है कौन है क्या लड़की? पहले कादर को पता सीखा डबल में के लिए कोटी है कुछ तोर ले जाना ना करा फाड़ ली। अरे बता कौन निकाल कर तुझे पागल कौन में क्या गी जो कर नहीं थिया वाला पर बुआ या फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं आपके मिसेस राजा व्लॉग बताना जरा आप लोग कमेंट करके, है ना। ये आप लोग के लिए नया होगा, ये हमारे लिए बहुत पुराना है। बहुत बार हम बन चुके हैं और मम्मी पहले बहुत ये सब चीजों का बहिष्कार करती थी लेकिन आप सपोर्ट करती हैं कि बेटा उनका कुछ कर रहा है। ले ना अब शूट करते, शूट करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। पूरा रेडी हो चुके हैं तो गाइस शूटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ में है रवि हमारा दोस्त जो हमारे साथ रहता है, मम्मी जी, है ना। माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम अगर इस तरीके का रोल कर रहे हैं तो कितने सारे निगेटिव बोलते हैं ना रवि। हाँ वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, तो अगर हमें किसी भी रोल में निभाया जाए तो हम निभ सकते हैं, है ना, मतलब ढल सकते हैं। इधर हमारी प्यारी सी मम्मी। तो गाइज आज आपकी राजा व्लॉग जा रही है घर छोड़ के ससुराल। तो अब मेकअप को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमें निकलना है थोड़ा अलग शूट के लिए भी ना रवि। तो भाई मेकअप वेकअप खत्म हो चुका है, रवि गया अपना घर, अब एक और शूट करना है हम लोग को चौर में जा कर के। इधर प्यारी सी मम्मी बार बार हम पे गुस्सा कर रही है क्योंकि मेकअप करना पड़ता है, मम्मी को भी खाना भी बनाना है, सुहानी पढ़ने चली गई है, उसका भी रोल था लेकिन उसका रोल काट दिया। मम्मी नथिया जा है रख दो ना, काम आएगा सब। मम्मी बाल को थोड़ा बाद में अलग निकाल के हमको दे देना, बालू सी में हाँ उसको रहने दो, थोड़ा इस सबको अलग रख दो। लो ये नथिया है, ये नथिया है और ये लहंगा है, रख दो मम्मी।
जब तक हम वीडियो को, तो गाइस मेरे पास अभी एक ही काम है, वीडियो को एडिट करते हैं व्लॉग को, फिर मिलते हैं आप लोग। इसके लिए व्लॉग भी अपलोड करना है तब जाकर के फ्री हो पाएंगे, अभी खाना वाना भी नहीं बना है। ऐसे मम्मी जी आलू सन करके रख दी है। मम्मी सुनो ना सर, चोखा मस्त बना दो, चोखा बना दो, रोटी बना दो, खा लेंगे ही बहुत। शाम में हो सकता है कुछ स्पेशल ला देंगे तुम्हारे लिए। ठीक से ठीक से ठीक से, सब चिमचिम झर रहा है मम्मी उसके अंदर से। मैं जस्ट अभी वीडियो का एडिटिंग कर लिए बढ़िया तरीके से, और अभी निकलना है हमें फिर से चोर वाले इलाके में शूटिंग के लिए। मम्मी जी खाना वाना बना दी है। आज फिलहाल मम्मी जी सबसे पहले खाना खा रही है, क्योंकि मम्मी को बहुत जोर से भूख लगा था, खेत में भी काम करवाई है, बड़ा मेहनत करती है बेचारी। खिला दो बेटा बेटी को। चलो बेटा बेटी जल्दी मुँह खोलो, जितना भाई बहन है आ करके चाय वाला सब्जी खा लो मम्मी के हाथ से। बिल्कुल, बहुत लेट का मम्मी खाना बनाए, कहे जी सुहानी बहन नहीं है, यह है अपना कोचिंग, इसीलिए लेट हुआ है। आज थोड़ा बाहर घूमना कैंसिल हो गया, मम्मी जी खाना निकाल ले, खाना खाएंगे, वीडियो को अपलोड में लगाकर फोन को यहाँ पे रख दिया ताकि अपलोड हो जाए बढ़िया तरीके। प्यारी मम्मी जी चावल सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाई है, उधर व्लॉग को हमने अपलोड में लगा दिया, साइड में लगा हुआ है। दुख हमें इस बात का होता है कि हमारी प्यारी बहन राखनी चली गई अपनी ससुराल, मम्मी जी को सारा काम करना पड़ता है, अभी जा रही कपड़ा धुलने के लिए वो, और हम व्लॉग एडिट करने में, व्लॉग को थंबनेल बनाने में लगे रहते तो टाइम नहीं मिल पाता, फिर हमको व्लॉग कंटिन्यू भी करना होता है, तो ऐसा लाइफ हो गया, बिजी सा हो गया है ना। तो बस खाना वाना खा लेते, आप लोग भी आओ खाना खा लो। कुछ सवेरे से तैयार भी किए, मेकअप भी किए, बढ़िया तरीके से रील्स भी बनवा दी है, व्लॉग भी बनवाई है, और घर का सारा काम भी कर रही है, पूरा कपड़े को साफ भी कर रही है मम्मी। ये होती है माँ, हमें टेंशन इस बात को लगा रहता था कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, बट अभी भी करती है जैसे तैसे करके। ओ मेरी प्यारी माँ, सब जगह ध्यान रखती है, देखिए इतना मेहनत करना होता है मम्मी को, अकेले ही करेंगे अब यार। अभी कौन करेगा, अभी कपड़ा बहुत है, सब छठ में कपड़ा सब जो पहने से सब पड़ा हुआ है खींचने के लिए, कौन खींचेगा अभी। बड़ा मम्मी को मेहनत करना होता है। अभी जाने वाले थे थोड़ा पटना, तो वहाँ का कैंसिल हो गया क्योंकि थोड़ा काम है। जब भी जो है हम कोचिंग से पढ़ के आ चुके हैं, और बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आलू रोपा जा रहा है, और यहाँ पे देखिए मेरा चिड़िया को नहीं यहाँ पे है, और अभी हम खाना भी नहीं खाए कोचिंग से, आज हम खाना भी नहीं बनाए थे भैया की वीडियो बनाने के चक्कर में। और आप लोगों को दिखा दें, मम्मी जो है सारा कपड़ा को साफ करके रख दिया है, क्योंकि हम साफ नहीं कर पाते, क्योंकि आते हैं पढ़ के 9 बजे जाते हैं, और फिर आते हैं 2 बजे, 2 बजे फिर खाना वाना खाते, फिर 3 बजे पढ़ने चले जाते हैं, और यहाँ पे देखिए भैया को। तो गाइस अभी वीडियो का एडिटिंग कर रहे हैं हम, पोस्टर वोस्टर सारा कुछ बना रहे थे, और वीडियो पूरा अपलोड हो चुका है, व्लॉग आपकी प्यारी बहन सानी पढ़ के आगे। कौन सा विशेषता आज, आज संस्कृत। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, मम्मी जा रही है मीटिंग में। मम्मी कहाँ जा रही हो? मीटिंग में, हफ्ता ही मीटिंग चलता है ना समूह का। अच्छा लोन बोला ना, लोन बोला वहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, जाओ लोन उठाएंगे वो अथी गोठा ले जाना। ठीक, मम्मी जी मीटिंग से आई है, जा रही मकई को फिर से रोक। देखे मम्मी कौन सा, अरे वाह, अरे इसमें तो बीज है मम्मी, सबके सब खेतों में काम करने में लगे। ठीक है जाओ लोग, जाओ लगा। और एक अभी भैया आए हुए थे बछवाड़ा से, तो उनके साथ सीन ऐसा था कि उनकी मम्मी जी उनको कसम दे दी है, वीडियो शीडियो बनाते हैं, उनके मम्मी ने कसम इसलिए दिया क्योंकि गांव के कुछ लोग जो है उनके मम्मी को बोला कि आपका बेटा वीडियो बनाता है और ये गलत है, तो उनकी मम्मी ने उनको कसम दे दिया कि बेटा तुमको मेरी कसम, आज से तुम वीडियो नहीं बनाओगे। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बेटा हमारा करना क्या चाहता है, क्योंकि शायद वो लाइफ में बढ़ जाए, मैं तो बढ़ा हूँ लाइफ में, सब कुछ सही हो रहा है, तो अपने पेरेंट को ध्यान देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई क्या कह सकते हैं, ये बिहार है और ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हर गांव के नॉर्मल लड़के यूट्यूबर नहीं बन सकते। मुझे बहुत दुख होता है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं। तो भी मिले, बढ़िया से पानी वानी हमने पिलाया भैया को, हमने कहा ठीक है कभी मौका मिलता है तो आपके यहाँ हम आते, क्योंकि हम हर घर पर जाके समझा तो नहीं सकते अपने वीडियो के थ्रू। तो अगर उनके मम्मी अगर इस व्लॉग को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका भी नाम राजा ही पड़ता है, शायद वीडियो बनाते हैं कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड, तो थोड़ा मौका दीजिए आप अपने लड़के को, शायद कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया है, माता पिता सब लोग खुश हैं, हर चीज़ है, इनकम से लेकर के घर से लेकर के हर जगह पर जो कर्जे थे वो सारा कुछ चुकता हो गया, सिस्टर की शादी से लेकर के आप लोगों ने लाइव देखा है। तो ये हमारा एक ही मोटिव रहता है कि अगर मैं व्लॉग बनाऊँ चाहे जैसा भी हो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल से जुड़ा रहता है, व्लॉग में एक ही मोटिव रहता है कि भाई कुछ अच्छे मैसेजेस दो ताकि लोगों के बीच में अच्छा मैसेज पहुंचे
और दूसरी बात है कि अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करो जिसमें माता पिता सब लोग खुश रहें। अपने बेटा को मौका दीजिए और वो भी शायद कुछ अपने लाइफ में कर जाए। तो गाइस अभी हम पढ़ के आ चुके हैं और हमारा पढ़ाई दो टाइम है, सुबह में है और शाम में भी है, इसलिए हम 3 बजे पढ़ने चले गए थे और फिर पढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो हमारे हाथ में झाड़ू है, अभी जा रहे झाड़ू लगाएंगे क्योंकि सुबह से एक भी काम नहीं किए, चले गए थे पढ़ने, लेट हो गया था इसलिए, और खाना भी नहीं खाए हैं। और आप लोगों को दिखा देते हैं, हो चुका है इवनिंग का टाइम, हमें निकलना लखनऊ, लखनऊ के लिए तैयारी करने क्योंकि वहाँ पे एक मीटिंग है और यूट्यूब को लेकर की है, और मीटिंग का कभी व्लॉग हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना कि वहाँ कुछ ज़्यादा हाईफाई रहता है, तो हम नहीं चाहते कि वो हाईफाई चीज़ें आपको अभी अचानक से दिखाएं। सब कुछ धीरे धीरे हो, बस ग्रोथ करते रहे तब जाकर के दिखाए, क्योंकि नॉर्मली लाइफ है वो चलता ही रहना चाहिए ताकि जो नॉर्मल लड़का है वो एक्सपायर है। और हाँ, सौरभ जोशी को लेकर के एक्सपोज वीडियो चल रहा है, तो वो कैसे हैं क्या है हमने भी बताया था अपने वीडियोज़ में, आप लोग कमेंट करो तो फिर से उनका बिहेवियर बताते हैं कैसा क्या है। बाकी इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी भी व्लॉग बनाई थी, मम्मी आई है खेत में से, हाँ घिवरा तोड़ जा करके खराब हो जाएगा। असल में खेत में लखनऊ निकलना है, हाँ लखनऊ साइड में ही निकलना है क्योंकि 4 बजे उधर ही पड़ता है ना, तो वहाँ जाना है व्लॉग करने के लिए और मीटिंग भी करना है। वो चीज़ें आपको कभी अभी नहीं, जब हमारे 4-5 लाख सब्सक्राइबर होंगे ना तब रिवील करेंगे, वहाँ बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, वीडियो कैसे वायरल होता है, आपको वीडियो बनाना कैसे, कंटेंट कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ। बाकी हमारा लाइफ में तो ये मैटर नहीं करता, जो मन में है वो डाल देते हैं। बाकी अभी आ चुके हैं खेत में, मम्मी जी घेवड़ा तोड़ने के लिए आए हैं, घेवड़ा एक वहाँ पे है एक वहाँ पे है, बहुत है घेवड़ा की देखिए, तीन चार दिन से हम लोग को घेवड़ा खिला खिला करके मन को जो है उपजा दी है मम्मी, जीवाना गए हम कई दिन से कैसे तोड़ ली, कैसे तोड़ रहे तो खराब हो गया रहने दो ना, तो ना। अब सब्जी बन जाएगा फिर। अभी सुहानी अभी पेड़ पे चढ़ेगी और यहाँ पे पतला सा डांड है, कहीं अगर इसके ऊपर कहीं गिर गई तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बन जाएगा चढ़ने में। बंदर है मेरी छोटी बहना, जो आ गया इसका मतलब घिवड़ा जो है खा नहीं पाएंगे, है ना मम्मी, चढ़ 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 जाओ सही से चढ़ना, डाल पतरा टूट जाएगा, चढ़ो चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो आराम से चढ़ो, नहीं बन पाएगा तो छोड़ देते हैं मम्मी, उसको खींच लेंगे रहने दो ना, कैसे बन पाएगा उसको तोड़ने में, तो गई है लेकिन उसको तोड़ने में ही नहीं बन रहा, हाँ टूटा टूटा एक तो टूट गया, और देखो और भी होगा उस साइड में, दो लकड़ी दो ना, लकड़ी दो लो मम्मी इसको पकड़ो, अरे मम्मी खराब हो गए खाने में नहीं बनेगा, ये जुआ गया ये काहले तुड़वा रहे हैं तुम, बकरा के लिए बकरा को खिलाना है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, मास्क लगा लिए, व्हाइट वाला शर्ट पहन ली और वही 3-4 दिन से पैड पहनी हुई जो छठ पूजा में हम लेकर के आए थे कोलकाता से, ऐसा सीन है। तो अभी रवि के साथ में निकल रहा है साबुर पटोरी, बाकी बाइक का हालात देख सकते हो आप लोग, जैसे भी यूट्यूब पेमेंट आता है इसको भी सही करवाना है, तब फिर कहीं मुंबई निकलेंगे क्योंकि अर्जेंट आ जाते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर हैं इन्वाइट करते हैं और वहाँ का ऐसा होता है कि अलाउ नहीं होता वीडियो व्लॉग बनाना। अभी पहुँच चुके हैं साबुर पटोरी, अभी हम आ चुके हैं अचानक से मॉल में, मॉल में किस लिए आए क्योंकि हमें निकलना है मीटिंग के लिए, तो बढ़िया कपड़ा होना चाहिए। साथ में है रवि, अब इसको बोले कि कोई बढ़िया सा शर्ट देखो, है ना उस साइड में है लेकिन वहाँ गर्ल के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है आज, लेकिन गाना बंद है मॉल में ना, गाना है बाहर है। अच्छा उस साइड में इस टाइप का शर्ट होगा क्या हम लोग के डबल एक्सेल में, मिल जाएगा उस साइड में, है ना। हमारे साथ एक पोपट हो जाता है, शरीर इतना बढ़ गया है कि हम जो अपना मन पसंद का कपड़ा लेने आते हैं वो खरीद नहीं पाते, डबल एक्सेल में जैसा मिलता है वही हमको पहनना होता है, अब जो पसंद है उस साइड में होगा ही नहीं। ये डबल एक्सेल है क्या, डबल एक्सेल यहाँ नहीं, नहीं सब तो है ही शर्ट पूरा, ये भी डबल एक्सेल है क्या, एम साइज है ना, छोटा पड़ जाएगा ना। चलो भाई देखते कोई मिल जाएगा तो ले लेंगे, यही प्रॉब्लम होता है मोटा होने का, डबल एक्सेल है। नहीं नहीं ये सब तो पहनते ही हैं, थोड़ा नया फैशन में और कुछ नहीं है डबल एक्सेल वगैरह, इसमें भी हो जाएगा डबल एक्सेल, ऐसे तो कपड़ा हम पहनते ही शर्ट में यही होगा और कहीं ना, डबल एक्सेल उधर है, उधर है सब किस में आगे खाली सूटकेस लागल है हमको लगता है ना, ये अच्छा ये कौन कॉटन हो गया, नहीं कॉटन यही पहनना पड़ेगा, उसी में मिलने करता है, और ये जीन्स वाला कपड़ा है और ये डबल एक्सेल, इसको पहन के देख रहे आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, बढ़िया है कि नहीं, आईना नहीं है, ट्रेंड है।
तेरह के और कम है बंदे भाई, तेरह के सही तेरह के ठीक है ना? हाँ ठीक है। और इसे कोई ढीला ढाला है? ढीला इसे और जी डबल एक्सल से ढीला कहाँ नहीं आता है। ये वाला यार आ चुके होटल में, मस्त अभी चाट खाना है, फिर निकलना है घर के लिए। सीधे मिलते हैं आप लोगों से घर पे। आई होप गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। बगल में इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। और आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा हो कि आप एक ब्लॉगर अच्छे खासे वीडियोज़ बनाते हैं, लड़के हैं तो लड़की का किरदार में क्यों? तो गाइज मैं रील्स पर वीडियो डाला हूँ लड़की के किरदार में, एक बढ़िया सा ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा था उसके ऊपर। और हाँ, ब्लॉगर भी हूँ, और इससे पहले मैं एक एक्टर था जिसपे मैं एक्टिंग का वीडियो डाला करता था। तो मैं एक एक्टर हूँ, एक्टर का कोई जात पात नहीं होता है, और मुझे फिल्मों में काम करना बहुत ज़्यादा शौक है। हालांकि अभी मिला नहीं, कभी भविष्य में ऑफर मिलेगा तो करेंगे, या फिर ऑडिशन वगैरह देने जाएंगे तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर 5 साल पहले भी हमने इसी जगह पे, यहीं पे व्लॉग को हम एंड कर रहे, इसी जगह पे दरवाजा पे एक टिकटॉक की वीडियो बनाया था जिसमें लेडीज़ वाला कपड़ा वपड़ा पहने हुए थे, रागनी सिस्टर का कपड़ा पहन लिए थे, लिपस्टिक भी लगाए हुए थे। तो उस वीडियो से काफ़ी बवाल मचा था, बट उस टाइम पहनना हमारे लिए एक समझिए कि एक अलग चीज़ था, क्योंकि उस टाइम फॉलोवर हमारे पास थे नहीं, लोग समझाने वाले नहीं थे, ऑडियंस अच्छे नहीं थे। 200-400 फॉलोवर था, लोग मजाक उड़ाया, मम्मी पापा सभी लोगों ने बहिष्कार किया। लेकिन हमने सोचा कि जब हमारे ऑडियंस बन जाएंगे तब फिर इस तरह का किरदार जो निभाया जाएगा, क्योंकि अब मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, अपना लोगों का दिल जीतना, उनको कुछ अच्छा एक्ट करके दिखाना। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो जो भी हमने लड़की का मेकअप किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर जा करके देख लो। मैं नहीं तो कौन पे और पालकी पे होके सवार चली में, वो हमने वीडियो डाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो और जाकर के देखो, आप लोग एंजॉय करो। बस कलाकार के लिए क्या है, कलाकार के लिए कोई सा भी एक्ट होता है निभा देते हैं। बस आप लोग का क्या ओपिनियन, अपने भाई को फिल्मों में देखना चाहते हो आगे बढ़ना ये जरूरी? मुझे पता है कि मेरा शक्ल सूरत जो है हीरो जैसा नहीं है, बट कोई सा भी रोल मिलेगा कर लूँगा। इंसान ऐसा थोड़ी होता, भगवान ने जैसा बना करके भेजा है। जैसा हूँ, जो भी हूँ, आपका हूँ, आपका प्यारा ब्लॉग हूँ, आपका प्यारा सा राजा भाई हो। बस अपना कीमती निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।